हेलो, कैसे हो बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी एंड वी आर डिस्कसिंग नंबर सिस्टम। दिस इज लेक्चर नंबर 5। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 4 बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 5। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन सिस्टम। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिपीट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ी सी वहीं से आगे बात करते हैं। और वो क्या था कि यहाँ पर देखें कि ये नंबर हमने रूट टू को रिप्रेजेंट किया था पिछली क्लास में, यहाँ पर छोड़ा था। आज यहाँ से आगे करते हैं कि अब रूट टू को ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्या क्या था रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि यहां से हमने वन लिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, वन का परपेंडिकुलर बनाया, उसमें से वन कट कर लिया, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये हो गया रूट टू। और रूट टू होने की वजह से हमने फिर इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए, रूट टू के रेडियस मानते हुए एक सर्कल अगर ड्रॉ किया, तो ये जिस जहां पे कट कर रहा है वो डिस्टेंस ओ से डी तक क्या हो गया, ये हो गया ए से डी तक रूट टू। तो ए डी इक्वल टू रूट टू हो गया। अब अगर रूट थ्री बनाना हो हमें तो कैसे करेंगे, रूट थ्री का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कैसे करोगे, और उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे कुछ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, ये सब नंबर है रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि रूट थ्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो रूट थ्री का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक और एग्जांपल लेना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। सो रूट थ्री का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लेते हैं एक नंबर लाइन यहाँ पे, और इस नंबर लाइन पे हमने सबसे पहले ये देख लिया कि ये बना लिया हमने जीरो, और ये है वन, और ये है टू। तो यहाँ पे अगर हम एक इतना ही बड़ा एक परपेंडिकुलर बना दें, तो परपेंडिकुलर बना देने पे इसमें से हम वन कट कर सकते हैं, इस परपेंडिकुलर में से हम वन कट कर सकते हैं, और ये वन है क्योंकि ये जितना बड़ा है, आर्क लेकर के आप उतना ही बड़ा वन यहाँ से कट कर दें, और कट कर दिया ऐसे, कट ऐसे आर्क होता है ना कंपस से, या कैसे भी कट कर ले। तो ये हो गया, ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो आपको पता चल गया पिछले क्वेश्चन की तरह, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन का उदाहरण दिया था कि ये जो होगा वो कितना होगा, रूट टू होगा, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये होगा रूट टू। अब यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का फिर एंगल बना ले इस पॉइंट पर बी पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अगर बनाए, यानी इस पे परपेंडिकुलर एक बनाए, और उस परपेंडिकुलर में से हम फिर वन कट कट कर ले, इस परपेंडिकुलर में से, इस परपेंडिकुलर में से ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसमें से अगर हम वन कट कर ले, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से अब फिर हमने इसमें से वन कट कर लिया, तो अगर यहां से वन कट कर लिया तो ये डिस्टेंस रूट टू है और ये वन है। तो अब ये O से A तक, ये मान लेते हैं पॉइंट C है, ये C पॉइंट है, तो O से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को फिर अप्लाई कर सकते हैं, ये चूंकि राइट एंगल ट्रेंगल है ये भी, तो उसी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो OB क्या है, OB है रूट टू, तो रूट टू का होल स्क्वायर, और BC क्या है, वन, वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टू, रूट टू का होल स्क्वायर टू और वन का होल स्क्वायर वन, यानी ये हो गया थ्री। OC स्क्वायर आ गया थ्री, इसका मतलब OC क्या हो गया, रूट थ्री, इसका मतलब हो गया कि O से C तक रूट थ्री है। अब O को सेंटर मान के और OC को रेडियस मान के एक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए, तो O निश्चित रूप से सर्कल जहां पे कट करेगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा रूट थ्री। OC रूट थ्री है,
इसलिए आप ओ को सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ये अगर हमने ओ को सेंटर मान लिया और ओ सी को सेंटर मानते हुए ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये ओ सी को सेंटर मान लिया, तो ये ओ सी जितना दूर होगा उतना ही यहाँ पर ओ ई भी होगा, ये भी ओ सी डी होगा, ओ डी भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये जितना इस रेडियस है, रेडियस हर जगह क्या होता है, सेम होता है, तो ओ डी जो हो गया वो हो गया रेडियस, और ओ सी चूंकि रेडियस है तो OC बराबर OD बराबर कितना, OC √3 है तो OD भी √3 हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस √3 हो, और यही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये यहां से यहां तक का कितना हो गया, ये हो गया √3, ये पूरा डिस्टेंस हो गया √3। तो नंबर लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते, तो यहाँ पे कहीं कट करता तो होता √2 और ये हो गया √3। √3 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ये पिछले दिन हमने बता दिया था। आइए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर ले, है ना, समझ तो आ गया आपको ये सारी चीजें। अब इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस दिस इज ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बताया था रियल नंबर के ही दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल भी होता है और एक इरेशनल होता है, बताया था नहीं बात। तो इस तरीके से ये जो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर्स आर एन इरेशनल नंबर, दैट इज नॉट ट्रू। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, आंसर सॉल्यूशन फर्स्ट वन इज ट्रू सिंस एवरी एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। समझ में आ गई बात, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड जो है इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है इसका सेकेंड ऐसे लिखा, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, यस एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ √m, क्योंकि आपने अभी देखा कि हमने √2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया था, √3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया था, है ना, कोई पॉइंट था। इसी तरह से कोई भी नंबर होगा तो उसका नंबर लाइन पे √m के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। तो हर एक पॉइंट किसी न किसी का स्क्वायर रूट होगा, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, एवरी नंबर इज ए स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में, और नंबर लाइन सिस्टम पे आएगा। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, पहले वाले का ये उल्टा है जो हमने कहा कि उल्टा सही नहीं है। तो थर्ड जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये थर्ड जो है वो क्या है, फॉल्स। सो थर्ड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज फॉल्स। सो तीसरा जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर में से कुछ रैशनल भी होते हैं, रियल नंबर में कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो सारे रियल नंबर इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए गलत है। जैसे 2 एक रियल नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 2 इज ए रियल नंबर बट 2 इज नॉट इरेशनल, 2 इज नॉट इरेशनल, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इस तरह से ये सही नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। क्या स्क्वायर रूट जितने नंबर के होते हैं सभी रेशनल होते हैं? रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, रूट फाइव, रूट एट एटसेट्रा आर इरेशनल। इरेशनल, ये सब इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स सिंस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, सिंस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन रूट फोर, रूट नाइन, रूट सिक्सटीन, रूट 25, रूट 36, इस तरह का एटसेट्रा आर ऑल रैशनल नंबर्स। ये सब रैशनल नंबर्स हैं, नंबर्स, सिंस दे कैन बी रिप्रेजेंट, दे कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट फोर को हम लिख सकते हैं टू, एंड टू को हम क्या लिख सकते हैं? टू बाई वन। इसी तरह से एटसेट्रा। रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली इस तरह से। रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं? थ्री, थ्री बाई वन। तो ये थ्री और वन ये इस रैशनल फॉर्म में है। तो ये आंसर हुआ कि आर ऑल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो आंसर हुआ नो, बिग नो। हेयर आर एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन का। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसी तरह से ये दिखाना है कि सो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन सिस्टम। रूट फाइव को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये हमने नंबर लाइन सिस्टम लिया है ना, और इस नंबर लाइन सिस्टम पे जैसा कि पहले बनाते रहे हैं, ये जीरो, ये वन और ये टू। अब टू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जी। टू पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा टू। तो टू पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसमें से जितनी ये वन है उतना ही यहां से आर्क से वन काट लिया, ये वन काट लिया। तो ये हो गया ओ, ये ए, ये मान लेते हैं इसी पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ओ ए और ये बी, ए बी हमने वन कट कर लिया। अब ओ बी को ज्वाइन कर दिया, तो ओ बी कितना होगा? थोड़ा दूसरे OB कितना होगा? अब आपको ये पता करना है कि O से B का डिस्टेंस कितना होगा। तो जरा सोचिए, OA कितना है? 2, AB कितना है? 1, और OB निकालना है। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो ये हो गया OA का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हुआ कि OB जो है वो क्या है? 5 है। OB स्क्वायर 5 है, तो OB क्या हो गया? देयरफॉर OB इज इक्वल टू रूट 5। तो ये डिस्टेंस हो गया वो रूट 5 हो गया। अब अगर इसको आर्क मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, किसको आर्क मान के? OB को आर्क मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो वो सर्कल जो होगा
ये अगर हम इसे सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल का सेंटर ऐसा रखें, ये ठीक है, तो ये जो होगा, जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे। यस, तो नाउ दिस वन इज लुक्स लाइक अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना, √5। तो यहां पे जो कट कर रहा है ये जो पॉइंट होगा डी, और डी जो होगा वो क्या होगा, ये OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू √5। तो नंबर लाइन पे ये जो OD हो गया, ये हो गया √5, यहां से यहां तक, इधर 3 होगा, है ना, तो ये √5 हो गया OD। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। क्या करना था, क्या क्या किया हमने, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने ये 2 लिया यहाँ नंबर लाइन सिस्टम पे, और यहाँ पे 1 कर लिया ऐसा, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और स्क्वायर रूट होने से क्या हो जाएगा, √5। कोई चाहता कि हम ऐसा ना करके और हम क्या करते, कोई एक आदमी ऐसा सोचता कि हम ऐसा ना करके सर अगर ऐसा कर ले तो कि 1 पे हम √2 का बना ले, 1 पे ही हम 2 का हाइट का बना ले, तो वो भी हो जाता, वो भी सही होता। ये कर लेता कि हम 1 पे ही परपेंडिकुलर बना ले और उसमें से 2 कट कर ले, तब भी यही होता, क्योंकि ये तब होता क्या, मान लो ऐसा करते, अगर ये ई मान लो पॉइंट को और ये एफ मान लो, तो ये होता 1, OE कितना हो जाता यहाँ पे, OE हो जाता 1 और OF हो जाता 2, 2 काट लेते इसमें से, तो यहाँ पे OF स्क्वायर EF 2 होता, EF 2 हो जाता, और OF जो होता वो होता फिर हमारा ऐसे कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि OF स्क्वायर नहीं लिख रहा है इसलिए रूट में लिख रहा है, ये क्या हो जाता है √5। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है OF वो भी होता √5, और फिर इसको हम आर्क मान के भी सर्कल खींच सकते थे, ठीक है, इसको हम आर्क मान के भी सर्कल खींचते, तब भी ये यहीं पे आके कट करता। तो आप चाहे तो पहले मेथड से बना लें, चाहे तो दूसरे मेथड से बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे तो पहले से बना लें चाहे तो दूसरे से बना लें, दोनों ही √5 होगा, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो आपको यही सोचना है किसी भी स्क्वायर रूट के लिए कि हम कैसे बनाएं उसको, ठीक है ना, ताकि स्क्वायर 2 के स्क्वायर का सम उस नंबर के बराबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। √5 कब आएगा, जब हम 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर से भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले √2 बनाओ, फिर √3 बनाओ, फिर उसके बाद बनाओ, तो ये लेंदी हो जाएगा काफी, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले कोई इंटीग्रल नंबर ले लेंगे और लेने के बाद हम उस पर आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके पहले एक्सरसाइज के जो थे वो खत्म हो गए, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के जितने सवाल थे 1.2 के, वो सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इरेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया है कि नंबर्स जो है वो या तो रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। जैसे आप कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए पिछले दिन बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि 1/7 लेते हैं, तो 1 में 7 से आपको डिवाइड करना है, देखो कितने नंबर के बाद रिपीट होगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल रख दिए तो यहाँ आ गया 0, 7 × 7 बच्चा कितना 3, फिर 0 अपने आप आ गया, 7 × 4 = 28 28, उसके बाद बच गया 2, फिर 0 आ गया, 7 × 2 = 14 14 आ गया, फिर आ गया 6, फिर 0 आ गया, 7 × 8 = 56, तो ये 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 आ गया, 7 × 5 = 35, और फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, तो
सेवन सेवन जा 49, और 49 आने से पता चल गया कि ये क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, क्योंकि फिर आ गया वन। जैसे ही वन आता है इसका मतलब फिर से रिपीट होगा, ये 49 आ गया, फिर वन आ गया, तो वन आ गया तो फिर जीरो आएगा, तो फिर ये 10 आएगा ना फिर से। तो ये सारे नंबर्स जो है 2, 4, 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और अगला 6 फिर ऐसे ही आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर अगला आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, और ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। तो कोई नंबर कितने के बाद रिपीट होंगे, कोई नंबर तुरंत खत्म हो जाएंगे, कोई नंबर ऐसा होगा जो कि जल्दी खत्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 16 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, ये 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, यहाँ 1 बच गया, फिर डेसिमल रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो ये आसानी से कट गया, और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, है ना, टर्मिनेट हो गया। और अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा। हो सकता है कि 1 डिजिट के बाद भी रिपीट होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि कई सारे डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो। जैसे मैं कहूं कि 10 में 6 से डिवाइड करना है, तो 6 1 जा 6, ये आ गया, 4 आ गया, डेसिमल रखोगे तो 0, 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया, तो सेम डिजिट बार बार रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, है ना। फिर ये 36 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। तो जब रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 1 था, 1 आ गया फिर से, फिर अगला में रिमाइंडर 3 आएगा, है ना, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2 आएगा, फिर रिमाइंडर 6 आएगा, फिर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर भी रिपीट होंगे। यहाँ पे रिपीटेशन तभी होगी जब रिमाइंडर फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। तो रिमाइंडर रिपीट होंगे तो इसका मतलब है कि वो रिपीट होगा, तो इसको ऐसे ही आता रहेगा। इसको लिखने का तरीका है 1.6 पे बार लिख देते हैं जहां से नंबर रिपीट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ 10/7 या 1/7 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/7 कैन बी रिटन एज रिप्रेजेंटेड एज 0.142857 और इन पूरे पे बार ऐसे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स को। और अगली क्लास में जब हम मिलते हैं तो हम और इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और इस पे और डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास में अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक